बैठक बेसिट्टा रही, हालांकि अज तेवर जिहड़े सी ओह मंत्रियां दे थोड़े ढिले जरूर नज़र आए। बैठक दे विच चाहे तेवर ढिले नज़र आए होण, उस तो बाद जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई जिस विच नरेंद्र तोमर आए मीडिया नूं संबोधित किया, उस दे विच तोमर दे उही बयान जिहड़े सी ओह देखण नूं मिले कि चंगे वातावरण च गलबात हुई। पर एक वड्डी गल जिहड़ी उन्होंने कहा कि साडी नज़र विच सिर्फ 2-3 सूबिआं दे किसान ही अंदोलन कर रहे हैं। सरकार पहले दिन तो यही गल कह रही है, इस बैठक तो बाद भी उही गल दोहराई गई। उन्होंने कहा कि असं इन्हां सूबिआं दीआं किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नाल गलबात कर रहे हैं, साडी नज़र में सिर्फ 2-3 सूबे ने जिथे ये प्रदर्शन चल रहे। अज की बैठक में चर्चा किसी फैसला कोई नतीजे तो नहीं पहुंची, यह भी कन्फर्म किया। तोमर ने यह भी कहा कि असी किसानों तो मंगया कि कानूनों से उन्होंने की खर्चे ने उसका मसौदा दिता जाए, सरकार उसते खुले मन नाल गल करन तैयार है। इन्हां सब गल्लां दे विच दोहां पक्षां की सहमति दे नाल 19 जनवरी को अगली बैठक का दिन तय हो गया। नाल ही तोमर का यह भी कहना सी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिता कमेटी बनाने का, उसका असं स्वागत करते हैं, तो असी कमेटी के सामने जदों भी बुलाया जाएगा, यानी सरकार को जदों भी बुलाया जाएगा, वो अपना पक्ष रखण पहुंचे। तीनों कानून जिसमें दो नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा, सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं, सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है, इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। जी हाँ, ये दावा तुसी सुनिया सी दर्शन पाल नूं, उन्हां दा कहना ये सी, डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि मंत्रियां दे तेवर जिहड़े सी उह अंदर बहुत ज़्यादा ढिले नज़र आ रहे थे, बैकफुट ते नज़र आ रहे थे, पर जो बयान तोमर ने मीडिया के सामने आके दिते उस विच किते भी ये लग्या नहीं कि तोमर या सरकार किते जिहड़ी अड़ी है, जिहड़ी जिद है कानून रद्द ना करन दी, उस तो किते पिछे हटन नूं तैयार है। पर इस सब दे विच ये सवाल जरूर उठा कि अगर MSP ते तुहानूं रिटर्न असीं दर्जा दे दईए या गारंटी दे दईए या कानूनी दर्जा दे दईए तो की तुसीं अपना अंदोलन मुलतवी करोगे, खत्म करोगे? तो उस ते किसानां ने कहा कि असीं साडा अजिहा कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि साडी जिहड़ी मुख मंग है वह है MSP इंपोर्टेंट जरूर है, लेकिन सब तो वड्डी जिहड़ी साडी मंग है वह है कि तिन्ने कानूनों नूं रद्द किया जाए, दो कानून जिहड़े ने उन्हां नूं रद्द किया जाए, तो तीजे कानून जरूरी वस्तां वाला जिहड़ा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उस वे जिहड़ियां सोधां कीतियां गईआं ने उसनूं रीपील किया जाए, सोधां वापस लईआं जाण। ये सारियां चर्चावां होईआं, पर कुल मिला के परनाला उत्थे दा उत्थे बैठक जिहड़ी है वह बेनतीजा बेसिट्टा रही। मेरे नाल सिंगू बॉर्डर तो किसानों के नाल इस बस दे विच किसानों के नाल रहे, तो हुण सिंगू बॉर्डर पहुँच चुके हैं रमन, उन्हां कोल चलदे हां। रमन,
ये तो गल्लां जिहड़ियां सी मीडिया के सामने आके कही गई कि बैठक बेसिट्टा रही। दर्शन पाल ने एक छोटा जिहा इशारा किया कि मंत्री थोड़े बैकफुट ते सी, फिर MSP वाली गल भी विच निकल के आई। ऑफ कैमरा किसानों के नाल की गलबात हुंदी है, क्योंकि अगर तरीक तय हुंदी है तो जरूर किसान ये भी सोचते होंगे कि कुछ ना कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत हासिल होया तो हो सकता अगे जाके कुछ होर हासिल होवे, क्योंकि अगर तरीक इसे गल ते दे दी जानी कि असी तो कानूनों नूं रद्द नहीं करांगे, तुसी आपदी मंग ते अड़े रहो, असी आपदी मंग ते अड़े रहने, फिर तरीक ते अगे बैठक का तो कोई फायदा नहीं। ऑफ कैमरा की गल्लां बातां हुंदियां ने, की कुछ निकल के आया इस बैठक चो किसानां दे लई? जी नरेंद्र पाल, जे असी किसानों के अज के मीटिंग तो बाद जो उन्होंने असी परसनली तौर पर गलबात की तो उन्होंने कहा कि अज असी शायद कितना कितने सरकार उस ट्रैक पर ले आए हैं जेड़े ट्रैक तो जोड़ा है गया जी सरकार भज रही थी लगातार सरकार भजे हूँ असं ट्रैक से सरकार लै सरकार हूँ घट्टो घट्ट मन तैयार हो गई है कि MSP तो कानूनी गरंटी दे देवे थोड़ा FCI का कोटा जोड़ा वो कितने नहीं जाएगा। शायद कितना ना कि अज किसान अगू एक जित नज़र आई जी अज की मीटिंग कि सरकार चलो देर आई दुरुस्त आए सरकार घट्टो घट्ट ट्रैक से तो आने लगी है नाल जो किसान आगू ने अच्छ पक्ष रखे से कि हम पंजाब हरियाणा करे किसानों परेशान किया जा रहा तो कैबिनेट मंत्री ने खुद मनिया पहला तो कानून का हवाला दिता सूबे की कानून व्यवस्था का बाद मनिया कि असी इस मामले में भी गंभीरता के नाल वेखांगे विचारांगे और नाल नाल कहा गया कि जो साडे हमायत में आउंदा जो भी साडी हमायत में उतरदा पहला चाहे आड़ती भाईचारा उतरिया चाहे बाद च पंजाबी गायक उतरे रंगमंच कर्मचारी उतरे तो उन्होंने भी जिहड़ा हैगा परेशानी का आलम चो गुजरना पै रहा तो यह गल्लां सुनने तो बाद कितना ना कितने किसान आगुओं ने एक संतुष्टि जाहिर जरूर की है कि सरकार हुण साडी घट्टो घट्ट गल सुनन लग गई है अमल होना उत्ते माड़ा मोटा शुरू हो गया। 19 तरीक की मीटिंग के जी गल उन्हें कहा कि जरूर नतीजा निकलेगा एक किसान आगुआ का दावा है जरूर नतीजा निकले MSP की कानूनी गरंटी सानू हो सकता प्रपोजल सानू सरकार देवे MSP की कानूनी गरंटी की अज भी सरकार कह रही थी कि जेकर असी MSP की तुहानू कानूनी गरंटी दे दिए तो तुसी इस धरने समाप्त कर दोगे सानू यह भरोसा दो तो हालांकि किसान कोई किसान आगू अजिही अपनी जी अपने तौर पर जी है वचन बातें नहीं दोहराएगा सरकार के सामने पर कल की मीटिंग जो किसान आगुआ की कल दोपहर 2 बजे होने जा रही है उसके मामला जरूरी तौर पर विचारिया जाएगा सानू दसया गया है असं जरूर विचारांगे कि सरकार MSP कानूनी गरंटी दे रही है तो अगली रणनीति की होनी चाहिए आ और 26 तरीक के प्रोग्राम को लैके सरकार भी जी कि चिंतित देखी जे 26 तरीक का जो ट्रेलर 7 जनवरी में दिखाया गया से तो पिक्चर रिलीज होंगी तो पिक्चर कहो जी होगी तो यह भी जी कि चिंता जो मंत्रियों के जोड़े है चेहरे पर जरूरी नज़र आई जी। एक क्या जावे फिर इस लिहाज के नाल कि अगली मीटिंग आखिरी हो सकती है किसी वालों कोई संकेत, क्योंकि 26 जनवरी तो पहला तो यह आखिरी मीटिंग होगी इस विच कोई दो राय जी रह नहीं जाती अज की उस तो बाद कोई संकेत किसी तरीके का किया जाए भी कि अगली मीटिंग आखिरी हो सकती है कोई सल्यूशन कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जिस नाल दोवें धिरां सहमत होण? नहीं जी बिल्कुल आखिरी मीटिंग नहीं होगी 26 तरीक जी हम 19 तरीक की होगी फैसला कुन मीटिंग होगी आखिरी मीटिंग नहीं होगी फैसला कुन इसलिए होगी क्योंकि सरकार हुण MSP से कितना कि किसानों के सामने एक गल रखन जा रही है कि MSP की गल कर जा रही है फैसला कुन मीटिंग होगी आखिरी मीटिंग नहीं होगी जेकर सरकार MSP से मनती है MSP से कानूनी गरंटी दिंदी है प्रपोजल दिंदी है तो अगलिया मीटिंगों के अगले जिहड़ियां गल्लां हैगियां कानून चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैगी चाहे वह मंडीकरण ढांचे को लैके हैगी चाहे वह जरूरी वस्तां सोध बिल हैगा उन्होंने गल विचारी जाएगी तो जी अगली 19 तरीक की बैठक होगी क्योंकि इस तो पहला सब नक सोमवार को जी है हीरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के 19 तरीक की मीटिंग बहुत अहम हो जा रही है फैसला कौन जी घड़ी के मीटिंग निकलेगी। बहुत धन्यवाद रमन इस जानकारी लिए इस उम्मीद के नाल कि फैसला कौन होएगी चलो आखिरी ना भी हो कुछ जरूर हाथ पल लगे तन पतन कोई गलबात पहुंचे क्योंकि हजे तक सरी सिर्फ तरीक तो ना ही सुनने मिलती है यस और नो ते किसान अजे भी कायम ने ते सरकार अजे भी नो ते ही कायम है कि असी कानून जड़े है वो रद्द नहीं करांगे। 26 जनवरी भी नेड़े है किसानों ने संघर्ष की तैयारी भी कर दी है तो इसकी चिंता जी अज बैठक के मंत्रियों के चेहरों पर भी साफ नज़र आई।